बिग बॉस सीजन 13 का आज का एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है, जो कि कई मायनों में बेहद ही मजेदार रहा, क्योंकि ये सीजन का लास्ट वीकेंड का बार रहा जहां पर घर वालों को एंटरटेन करने के लिए पहुंची शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, जिनके साथ वो यहां पर बहुत सारी मस्ती मजाक करते हुए नजर आए। तो साथ ही साथ सिद्धार्थ के बीच में लड़ाई झगड़ा भी देखने को मिला, तो वही आरती भी नाराज दिखी, तो साथ ही साथ पारस छाबरा शहनाज को टॉन्ट करते हुए नजर आए। और इस तरीके से ये एपिसोड वाकई में बहुत ज्यादा मजेदार हो गया। तो चलिए जान लेते हैं इस खास और मजेदार एपिसोड की हाईलाइट्स। तो आपको बता दें कि इम्यूनिटी टास्क में पारस को सेव करने के बाद सिद्धार्थ से शहनाज और आरती को सवाल जवाब करती हुई नजर आती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम नॉन डिजर्विंग पर्सन हैं देन दिस पारस छाबरा। तो वही सिद्धार्थ शुक्ला अपनी बात कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे पे बैक करना था, तो वही पारस भी कहते हुए नजर आते कि तूने मॉरली सपोर्ट किया, गेम के वे में कभी सपोर्ट नहीं किया और तू फ्लिप करती है, फ्लैप मत कर। और इस तरीके से पारस छाबरा उन्हें कहते हुए नजर आते हैं कि टिट फॉर टैट ही मिलेगा, तू इससे ज्यादा एक्सपेक्ट तो कर ही मत। तो वही सिद्धार्थ शुक्ला उन दोनों को कहते हुए नजर आते हैं कि तुम दोनों का कहना ये है ना कि मैंने तुम्हें यूज किया और छोड़ दिया और इसे फेवर किया, तो चलो ठीक है, जो तुम कहो वही ठीक है, मैंने ऐसा ही किया, तुम दोनों को यूज किया, तुम दोनों पागल हो, बेवकूफ हो, जैसा तुम्हारा दोस्त चाहता था वैसा हो गया, अब खुश रहो। तो वही यहाँ पर आरती को कहते हुए नजर आएंगे कि तूने क्या एहसान किया है, खड़ा मैं रहा हूँ तेरे लिए, हर बार तुझे सेव मैंने किया, एक बार ये प्यादा आगे कर देने से कुछ चीज पे बैक नहीं होती है। यहाँ पर शहनाज के सामने हाथ जोड़कर वो निकल जाते हैं, शहनाज को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर ये दोनों लड़ते झगड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर इनका पैचअप हो जाता है। तो साथ ही साथ यहाँ पर एंट्री होती है घर में शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की। शिल्पा शेट्टी सभी घर वालों के साथ यहाँ पर मस्ती मजाक करती हुई नजर आती है और साथ ही साथ फिर बाहर गार्डन एरिया में इनके साथ योगा करती हुई नजर आएंगी। नॉर्मल एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, जहाँ पर शहनाज की कपाल भाती करने के तरीके पर शिल्पा शेट्टी उनका मजाक उड़ाती हुई नजर आएंगी कि ब्रेक डांस नहीं करना है, अब ये क्या धक धक करने लगा करने लगी है, शहनाज को आता नहीं है, तो शिल्पा उन्हें समझाती हुई नजर आती है। इसके बाद शिल्पा शेट्टी घर वालों से करवाती है कपल योगा, जहाँ पर ट्रायल होता है आसिम, रश्मि और आरती का, और दो पैर होते हैं माहिरा, पारस और सिद्धनाज का, जहाँ पर ये ट्रायल बखूबी से हर एक योगा को करते हुए नजर आते हैं। तो वहीं ये दोनों ही पैर एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक में लगे रहते हैं और ट्राई करते हुए नजर आते हैं अच्छे तरीके से इन योगा व्यायाम को करते हुए। इसके अलावा यहाँ पर योगा करने के बाद शिल्पा शेट्टी घर वालों से बातचीत करती हुई नजर आती है, उनके इस घर के एक्सपीरियंस को जानती हुई नजर आती है कि आपकी बेस्ट और वर्स्ट फीलिंग क्या है यहाँ पर लेकर। आसिम बताते हैं कि सिद्धार्थ के साथ मेरी दोस्ती के दिन, जब मैंने एक टास्क जीता था और मेडल लाकर इसे दिया था और कहा भाई ये तेरे लिए, दैट वाज द बेस्ट फीलिंग फॉर मी। तो सिद्धार्थ बताते हैं कि जब शहनाज यहाँ थी और मैं सीक्रेट रूम में और ये जिस तरीके से मेरे बिना बुरा फील कर रही थी और बोल रही थी कि उसे नहीं रहना मेरे बिना, वो फीलिंग बहुत ज्यादा बेस्ट थी कि मुझे लगा था कि चलो हमारा एक अच्छा खासा रिश्ता, एक ऐसा कनेक्शन है जो कि इतना खास है। तो वही शहनाज गिल ने भी बताया कि मुझे ना वो फील बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से याद है जब शहबाज ने कहा था कि मैंने तेरा पूरा नाम लिया है शहनाज गिल, क्योंकि मैं तेरा नाम लेता नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर वो हर चीज मिली है जो मैं हमेशा से ही चाहती थी, वो नेम, वो फेम, वो सारी चीजें, चाहे कुछ भी हो, हर एक टास्क में मुझे हर चीज मिली है और मैं हमेशा ही इस चीज के लिए ग्रेटफुल और थैंकफुल रहूंगी बिग बॉस का। तो वही यहाँ पर माहिरा भी बताती है कि इस घर से वो काफी अटैच फील करती है और जब यहाँ से चली जाएंगी तो इस घर को बहुत ज्यादा मिस करने वाली होंगी। माहिरा बताती है कि हर एक चीज को वो बहुत ज्यादा मिस करने वाली है और वो रोना शुरू कर देती है। शिल्पा शेट्टी उन्हें कंसोल करती हुई नजर आती है, तो वही पारस भी उन्हें चेयर अप करने की कोशिश करते हुए नजर आती है। फिर बाद में बारी आती है वर्स फीलिंग्स को लेकर, तो यहाँ पर आरती सिंह बताती है कि उनका पैनिक अटैक वॉज द वर्स फीलिंग फॉर हर, क्योंकि वो चाहती थी उसे कंट्रोल करना लेकिन हो नहीं पाया और वो नेशनल टेलीविजन पर दिखा, एंड दैट वॉज वेरी बैड थिंग फॉर हर। उसे लेकर उन्हें यहाँ पर रिग्रेट भी होता है। और इस तरीके से यहाँ पर सभी घर वाले अपनी बेस्ट और वर्स फीलिंग्स यहाँ पर शिल्पा शेट्टी के साथ शेयर करते हुए नजर आते हैं और बहुत सारी मस्ती और मजेदार टास्क करते हुए नजर आते हैं शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के साथ। तो दोस्तों ये थी बिग बॉस सीजन 13 में सभी कंटेस्टेंट्स के बिग बॉस हाउस में बिताए गए डे 133 की हाईलाइट्स। और इसी तरीके से हर एक एपिसोड की हाईलाइट्स, सभी टेढ़ी चटपटी मसालेदार खबरों को यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।